कुछ सेकंड के लिए ऐसा फील किया है कि कोई मेरे साइड में खड़ा है। आई डोंट नो कि वो कौन है, बट ऐसा लगता है ना कि कोई आपके साइड में है, मतलब महसूस कर सकती हूँ मैं उसको। लाखों लोगों का मानना है कि अभी भी अगर कोई इंसान उस शैतानी घड़ी के अंदर ब्लडी मेरी को पुकारता है, ब्लडी मेरी का नाम 3 बार आईने के सामने लेता है, या फिर कहता है कि आई स्टोल योर बेबी, तो ब्लडी मेरी डेफिनेटली आईने के सामने, मतलब आईने में उसको आप देख सकते हो। एंड जब आप उसको देखोगे तब आप उसको कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखोगे, उसकी आँखों से खून निकल रहा होगा। एंड जो भी शख्स उसको बुलाता है उसकी आँखें वो नोच लेती हैं। एंड किसी किसी का ये भी दावा है कि वो इंसान जो भी ब्लडी मेरी को पुकारता है, ब्लडी मेरी को बुलाता है, वो इंसान या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक 3 AM चैलेंज शूट करने जा रही हूँ। एंड आज इस वीडियो के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ, क्योंकि आज मैं भूत को बुलाने वाली हूँ फाइनली, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। एंड आप लोगों के रिक्वेस्ट से ही इस वीडियो को मैं शूट कर रही हूँ। वैसे और एक बात आपको बता देती हूँ कि आज मैं इस रूम पे अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा डॉगी भी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ले लिया। तो गाइस, मतलब अभी से कुत्ते भौंक रहे हैं गाइस, मतलब कुछ ज़्यादा ही मैं डर रही हूँ। ओके, सो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि ब्लडी मेरी कौन थी तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगी, आप वहाँ से ब्लडी मेरी का फुल स्टोरी चेक कर सकते हो। तो फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्लडी मेरी के बारे में बोल देती हूँ। तो ये बात है आज से 500 साल पुरानी, जब इंग्लैंड की क्वीन हुआ करती थी मैरी। मैरी इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों को जिंदा जला देती थी, वो इंसानों के खून से नहाती थी और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करती थी, जादू टोना करती थी, शैतान की पूजा करती थी। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह थी ही नहीं। तो ब्लडी मैरी को हमेशा से ही एक बच्चे की ख्वाहिश थी जो कि उसको कभी नहीं मिली। वो जब भी प्रेग्नेंट होती थी डॉक्टर के पास जाती थी डिलीवरी के लिए, तब डॉक्टर लोग उसको बोलते थे कि उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं, मानो जैसे बच्चा गायब हो रहा था। ऐसा एक बार नहीं, दो बार हुआ था। तो इस वजह से ब्लडी मैरी बिल्कुल पागल हो चुकी थी, इंसानों की खून करती थी, शैतान की पूजा करती थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब ब्लडी मैरी की मौत हो गई, और जब उसकी मौत हो गई तब उसकी ये ख्वाहिश भी उसके साथ दफन हो गई। तो आज भी ऐसे लाखों लोगों का मानना है कि अगर कोई भी इंसान कैंडल्स लेके आईने के सामने खड़े होके ब्लडी मैरी को पुकारता है, 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेता है, या फिर 13 बार ब्लडी मैरी का नाम लेता है, जो कि अनलकी नंबर है 13 बार, 13 टाइम्स अगर कोई ब्लडी मैरी को पुकारता है, तो ब्लडी मैरी को आप आईने में देख सकते हो। मतलब, और ये वाला चैलेंज आज मैं करने जा रही हूँ, तो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। वैसे अभी जो टाइम है वो आपको दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 बजने में बस 3 मिनट बाकी है। सो गाइस, अभी मैं इस चैलेंज को करने जा रही हूँ। एंड जितने भी लाइट्स है उसको मैं ऑफ कर दूंगी और खिड़की को भी बंद कर दूंगी। एंड कैमरा को सेट करके मोमबत्ती लेके मैं आईने के सामने अभी खड़े होने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये है जिमी, मेरा डॉगी। ये आज मेरे साथ रहेगा। ये बाहर जाने के लिए मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, ये यहीं पे रहेगा, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा। सो गाइस, पहले मैं इस मोमबत्ती को जला लूँगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं दिखेगा अगर लाइट ऑफ कर दूँगी तो। आई थिंक कि एक मोमबत्ती से आप लोग ठीक से देख नहीं पाओगे,
तो और एक मोमबत्ती जला लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं ब्लडी मेरी को फाइनली बुलाने जा रही हूँ एंड मेरे हाथ अभी से मतलब मैं बहुत ना नर्वस हो रही हूँ। सो गाइस, पहले 3 बार पुकार के देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो 13 टाइम्स मैं उसको पुकारूंगी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक फील नहीं हुआ है। ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भूत को पुकारो, किसी आत्मा को पुकारो तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। तो मैं पीछे मुड़ भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। अभी तक ऐसा कुछ भी फील मुझे नहीं हुआ है। ओके, तो फिर से देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ओके, अभी 13 टाइम्स पुकारते हैं। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी के बात करने की आवाज़। सो गाइस, अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत नर्वस हो रही हूँ क्योंकि लाइट्स ऑफ है सारे, तो लाइट्स को जला देते हैं। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है, लेकिन एक आवाज़ मैंने सुना है, बट पता नहीं कि वो मेरा मन का बहम था या फिर आस पड़ोस में कोई बात कर रहा था, आई डोंट नो। लेकिन थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ब्लडी मैरी को 3 बार या फिर 13 टाइम्स पुकारने के बाद भी वो ना दिखे तो आपको बस कहना है कि आई स्टोल योर बेबी, मतलब कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। बहुत पसीना आ रहा है, कुछ लगता है ना कि कुछ गुजरा है पैरों के साइड से, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। आई थिंक ये बहम होगा मेरा, क्योंकि लाइट्स भी सारे ऑफ है, तो शायद ही मेरा बहम ही होगा।
मुझे ऐसा लगा एक सेकंड के लिए, एक मिनट। ओके फिर से ट्राई करते हैं। ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। I stole your baby, Bloody Mary. 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 I stole your baby. गाइज मुझे ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साइड पे कोई कोई है, किसी के होने का एहसास मुझे फील हो रहा है मेरे साइड में। आई डोंट नो गाइज। ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। आई थिंक कि कोई मेरे साइड में है, मुझे मैं फील कर सकती हूँ इसको। ये क्या हो रहा है गाइस? भगवान करे मैं बच जाऊँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश्ति हो लोग जागर राम दूत अद्वित बल धामा अंजनी पुत्र पवन चित रामा मोदी विक्रम बजरंग की कुंती निवास समिति के संगी कांचन वरण विराज सुबेशा कान कुंडल कुंचित केशा वज्रोद जाविराज गाइस। मैंने कुछ सेकंड के लिए ऐसा फील किया है कि कोई मेरे साइड में खड़ा है। आई डोंट नो कि वो कौन है, बट ऐसा लगता है ना कि कोई आपके साइड में है, मतलब महसूस कर सकती हूँ मैं उसको। अभी इसको और नहीं करना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, इसको और नहीं कंटिन्यू कर सकती। सो गाइस मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि कोई मेरे साइड में खड़ा है। आई डोंट नो कि वो लड़का है या लड़की, बट अभी भी मुझे इस रूम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस। एंड मुझे कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर रहा है ऐसे। एंड एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि मतलब कि मेरे पैरों के तरफ से कुछ गुजरा है, शायद वो बहम भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो बहम बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई मेरे साइड में खड़ा है, क्योंकि मैं ना फील कर रही थी कि उसकी जो सांस है ना मैं उसको फील कर पा रही थी कि कोई सांस ले रहा है ऐसा। और मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस पहले भी हो चुका है, जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ ऐसा एक पैरानॉर्मल चीज़ हुई है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स कर देना। आई नो कि आप लोग कर दोगे, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और बहुत सारे लाइक्स भी दे रहे हो। तो एंड गाइस मुझे अभी जाना है सोने, तो प्लीज़ इस वीडियो को 10,000 लाइक्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो तो। और आगे आप कौन सा चैलेंज देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।